नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस। मैं हूं आपके साथ हनी सैगल। बदरपुर विधानसभा में महासंग्राम छिड़ चुका है। आरोप और प्रति आरोप की राजनीति आए दिन बढ़ती जा रही है। एमसीडी के द्वारा लगातार सीलिंग हो रही है। अभी हाल ही में दो दिन पहले खड्डा कॉलोनी में सारी की सारी मिठाई की दुकानें सील कर दी गई और ये कहना है कि डीएम के द्वारा नोटिस आया था, लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि एमसीडी कर रही है। एमसीडी के सेंट्रल जोन चेयरमैन के शुक्ला जी से बात करी तो वो कहते हैं विधायक करवा रहा है। आरोप और प्रति आरोप बढ़ता जा रहा है। ओजोन से सबसे ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। मेरे साथ मौजूद है श्रीजन वोहरा जी, विधायक के चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा तैयारी कर रही है, जनता के आए दिन प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वोहरा जी, सबसे पहले ओजोन से जनता परेशान है। रामवीर सिंह भिदुड़ी जी पूर्व विधायक, राम सिंह नेताजी पूर्व विधायक, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं और नरेंद्र शर्मा कहते हैं ओजोन इन्हीं ने लगवाया है, लेकिन इनके कार्यकाल में अगर इन्होंने एक भी बार विधानसभा में उठाया हो कि मेरी जनता ओजोन से परेशान है, इन्होंने अभी तक ओजोन नहीं हटवाया। देखो, सबसे बड़ी मैं आपको अनिल जी बताना चाहता हूँ कि 93 से लेके और 2013 तक जो राजनीति पूरी विधानसभा में अगर आसपास देखी जाए तो राम सिंह रामवीर के अलावा कोई नेता था नहीं। अब जब 93 से लेकर 2013 तक जब राजनीति आगे चलती रही तो 2008 के आसपास इस क्षेत्र के अंदर जो जैतपुर गांव है और कुछ लोगों ने, अब वो क्योंकि उस समय जितने भी इनके चमचा थे इन दोनों नेताओं के थे और तो कंप्लेंट कोई बाजी और कोई करता नहीं था, इनके पाले हुए नेता ही जो चमचे थे वो पालते थे और वो कंप्लेंट लगाते थे, तो उन्होंने एक कंप्लेंट लगाई जो विश्वकर्मा कॉलोनी है, विश्वकर्मा कॉलोनी से जो आगे जाके वहाँ का खसरा नंबर वो जैतपुर गांव का दिखला दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैतपुर गांव बिल्कुल जो है आपका जमुना के किनारे बसा पड़ा है, जिसकी वजह से अधिकारियों की मिली भगत से और इस तरह का घोटाला करके इन दोनों नेताओं ने ओजोन लगाया। मैं तो दोनों की गलती मानूंगा, गलती इसलिए मानूंगा कि 2008 में चुनाव से पहले ओजोन लग चुका था। उस समय विधायक कौन थे? रामवीर भिदुड़ी जी, क्योंकि 2008 के बाद तो राम सिंह बने, उससे पहले 2008 तो मतलब ये कोई होगा कि 2008 में जनवरी में राम सिंह जी बन गए, 2008 के दिसंबर के आसपास राम सिंह जी बने थे, जो चुनाव हुआ सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास हुआ, तो उसमें जो ओजोन लगा तो 2008 में लगा। उस समय विधायक कौन था? रामवीर भिदुड़ी जी। सरकार किसकी थी केंद्र में? बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार थी, जो क्योंकि ये दोनों नेता आज तक जब से आम आदमी पार्टी आई है बदरपुर विधानसभा के अंदर, जब तक तो पार्टी पता चल गई है कि एक आम आदमी पार्टी है, नहीं तो 20 साल में ये नहीं पता था विधानसभा में बदरपुर में कि कौन सी पार्टी है, क्योंकि कभी राम सिंह बीएसपी में, कभी राम सिंह जनता दल में, कभी राम सिंह जो है निर्दलीय, कभी रामवीर भिदुड़ी आपका एनसीपी से, तो यही नहीं पता चलता था पार्टी कौन सी है, खाली इनके नाम पे चुनाव होता था। लेकिन हकीकत में अगर पता चला तो 2015 के बाद आम आदमी पार्टी जब यहाँ जीत के आई तो लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी है, क्योंकि इन दोनों की कोई पार्टी नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 2008 से ओजोन लगने लगा, दोनों की गलती जो मानी जाएगी वो रामवीर भिदुड़ी, राम सिंह के द्वारा ओजोन लगा। तो ओजोन हटाएगा कौन? राम सिंह नेताजी कहते हैं कि रामवीर सिंह भिदुड़ी ने अपने बेटे को कंपनी का डायरेक्टर बनवाने के लिए ओजोन लगवा दिया। रामवीर सिंह भिदुड़ी कहते हैं राम सिंह नेताजी ने लगवा दिया, और जब ये दोनों एक हो जाए तो ये कहते हैं नरेंद्र दत्त ने लगवा दिया। नरेंद्र दत्त की पार्टी तो अभी आई है, ये तो आप भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो आई है, दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी आई है। मैं बार बार आपसे ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आई है, बदरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी आई है, कोई नाम नहीं आया, आम आदमी पार्टी आई है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि कौन किसको डायरेक्टर बनाना चाहता है या कौन किसके बारे में कुछ कहना चाहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अगर नेता में दम हो, नेता की सोच अच्छी हो, नेता में बल अच्छा हो तो ओजोन परिभाषा एक महीने में ख़त्म हो सकता है, मुझे तो इतना पता। खड्डा कॉलोनी में भी दो दिन पहले सीलिंग करी गई, वहाँ पे के शुक्ला जी बयान देकर गए कि एसडीएफ करवाता है, विधायक नोटिस लिखता है, विधायक एमसीडी को आदेश देता है, तब ये जाकर तोड़फोड़ की जाती है। दिल्ली सरकार का आदेश एमसीडी को मानना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो डीएम को भी आदेश विधायक ही देता है, लेकिन फिर वहाँ पर नरेंद्र जाकर बयान क्यों देते हैं कि ये शुक्ला करवा रहे हैं, जबकि शुक्ला जी सेंट्रल जोन के चेयरमैन है एमसीडी के। एमसीडी दिल्ली सरकार का अधिकार, दिल्ली सरकार का जो कर्तव्य होगा या दिल्ली सरकार जो उनको आदेश देगी वो मानना पड़ेगा। अनिल जी, आप पत्रकार हो, चैनल अलग अलग चल रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी अपनी अपनी है, या आप तो कोई चैनल वाला आपसे हुक्म दे सकता है, बड़ा चैनल जैसे आप चला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आरोप प्रति आरोप बहुत हो रहा है क्षेत्र के अंदर, एक दूसरे पर आरोप तो हम लगा रहे हैं लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई अगर दुकान खोलता तो उसका लाइसेंस कौन देता है? एमसीडी। फूड लाइसेंस किस कौन देता है? एमसीडी। सारे काम अगर एमसीडी करती है तो डीएम का क्या रोल रह गया? अगर डीएम भी कोई कार्रवाई करेगा तो बिना एमसीडी के कार्रवाई कर ही नहीं सकता,
क्योंकि वहाँ पे जो अधिकार है वो तो एमसीडी अधिकार है, अधिकार जो अगर वहाँ पे किसी को चालान करने का अधिकार है तो एमसीडी का है, किसी का अगर दुकान सील करने का अधिकार है तो एमसीडी का है। डीएम का रोल कहाँ से रहा? अगर डीएम अधिकारी जब आते हैं, जब एमसीडी उनको लिख के देती है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि बदरपुर की जनता नेताओं के पीछे में पिस रही है। कोई ऐसा नेता चाहिए जो लोगों की सुने, लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों के क्षेत्र में काम करे। अरे हम आज रोजगार की बात करें, आज क्षेत्र में जो ओजोन लगा उसकी बात करें, हम लोग आज ये बात करें कैसे जो खड्डा कॉलोनी में स्कूल है जो आज 3-3.5 साल हो गए, कुछ अधिकारियों, क्योंकि मेन चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी जब से बनी है अधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पावर नहीं हमारे पास उन अधिकारियों को चेंज करने की। अगर आज अधिकारी आज फ्लड में कौन बैठे हुए हैं? पुराने अधिकारी वही बैठे हुए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एमसीडी हो अधिकारी हो, चाहे फूड के सप्लाई जो अधिकारी, वो सारे वही बैठे हुए हैं। जब तक अधिकारी ट्रांसफर करने की पूरी ताकत आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं होगी, जब तक एलजी का कहीं ना कहीं रुकावट आएगी आम आदमी पार्टी में, तो ये अधिकारी बनवानी करेंगे। और वही काम हो रहा है, कुछ तो नेता हमारा शोषण कर रहे हैं, कुछ अधिकारी, क्योंकि अधिकारी पे नेताओं का दम नहीं है। अगर ये दम, मैं कहता हूँ मुझे एक महीना दे दो खाली, आप मुझे नहीं चाहिए कुर्सी, लेकिन एक कुर्सी एक महीने के लिए दम दिखला दो, मैं आओ जॉन से मुक्ति करा दूंगा क्षेत्र को। ये मेरा चैलेंज है, कैसे डीएम से काम लेना है, कैसे एसडीएम से काम लेना है। अब ये कही है कि जो कमिश्नर होता है एमसीडी का, वो विधायक का नीचे आता है। हमारी पावर है, हम एमसीडी को कमिश्नर को पावर दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ये हो रहा है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, लोग उल्टी राजनीति कर रहे हैं। अरविंद जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे बीजेपी के कांग्रेस के नेता, पहली बात तो यहाँ दल का नहीं पता आम आदमी पार्टी के अलावा, कि इनके राम सिंह का आज मुझे पूछ रहा हूँ कि राम सिंह का दल कौन सा है, पर ये तो पता चले कौन सी पार्टी से आएंगे। सीजन बोहरा तो कल भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, कल भी रहेगा। और मेरी लड़ाई 3 नेताओं से है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो किसान गरीब का बेटा बना बैठा है, दूसरा जो पानी पिलाता है क्षेत्र में, तीसरा विकास पुरुष, और इन तीनों से मुक्ति कराना। पहले मेरे 2 नारे थे, अब तीसरा नारा चलेगा, और आने वाले टाइम पर क्षेत्र के हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं, चाहे वो राशन की लड़ाई हो, चाहे आधार कार्ड की लड़ाई हो, चाहे पहचान पत्र की लड़ाई हो, चाहे ओजोन की लड़ाई हो, चाहे सीलिंग की लड़ाई हो, चाहे रोजगार की लड़ाई हो, हमारी लड़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये लड़ाई मेरी सदा चली है, सदा चलती रहेगी। सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर आपके ऊपर एक आरोप लगा था जब आप राशन का सर्वे करवा रहे थे, कि श्रीचंद वोरा जी को विधायक बनने की बहुत जल्दी है। एक जो पत्र है वो व्हाट्सएप पे बहुत चला था कि आप विधायक बनने की जल्दी में आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, राशन माफियाओं को पकड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप आम आदमी पार्टी से हैं, अगर कुछ आपने गलत दिखाया और वाकई में गलत हो रहा है, जो 3 रुपए का राशन दिल्ली सरकार से गरीबों के लिए आता है वो 25-26 रुपए का बिका जाता है, तो इसमें कौन सी गलती थी और वो किसने करवाया? आपको गुमराह करने के लिए, आप जनता को गुमराह कर रहे हो, आपको विधायक बनने की जल्दी है, ऐसा बहुत वायरल हुआ। देखो, मैं अगर मैं मेहनत करूंगा जनता के बीच में तो अधिकार तो है मेरा, विधायक का चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, नगर निगम चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, जो लोकतंत्र में जितने भी चुनाव हैं वो लड़ने का मेरा अधिकार है, उसको तो कोई अधिकार मेरे से छीन नहीं सकता, कोई भी हो वो अधिकार मेरे से। दूसरी बात ये रही, आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि एक बहुत बड़ा राशन माफिया जिसमें अधिकारी मिले हुए हैं, वो आरोप कुछ भी लगा लें कि मैं रिश्वत के चक्कर में जा रहा हूँ या मुझे उनसे कोई एलर्जी है, कुछ भी कह लें, जनता के सामने अधिक जो सच्चाई वो मैं रखे रखूँगा। ये क्या करते हैं, सरकार की तरफ से मिलता है गेहूँ और चावल, उस गेहूँ तो ये दे रहे हैं, लेकिन चावल जो 3 रुपये मिलता है उसको ये 30 रुपये ब्लैक कर देते हैं, और उसकी जगह मार्केट रेट में ही चीनी दे देते हैं, जबकि गवर्नमेंट का अगर चीनी किसी को मिलती है तो उसका रेट है 13 रुपये 50 पैसा, लेकिन ये उल्टा करते हैं। ये दुकानदार अधिकारियों से मिले हुए हैं, यहाँ का FSO जो है वो अधिकारी मिला हुआ है, क्योंकि जब हम उसकी कंप्लेंट लेके उसके ऑफिस गए तो आप बहुत ज़्यादा अचार्य हो, आपको बिल्कुल हैरानी होगी, ऑफिस पहुँचने के बाद जब उसके वो गाड़ी से गया तो हमने उसके पीछे थोड़ी सी गाड़ी लगाई, मैंने देखते हैं दुकान पे जाएगा नहीं जाएगा, वो बिजेंद्र की मूर्ति से घूम के वापसी ऑफिस में आके बैठ गया। तो देख लो ना, मैं दो ही बात को बताना चाहता हूँ, जितने अधिकारी हैं ये सारे के सारे दुकानदारों से मिले पड़े हैं, राशन की दुकानदारों से मिलने पड़े हैं, लेकिन वो मुहिम मेरी कल से शुरू होने वाली है। ये सोचते हैं कि श्रीचंद के खिलाफ कंप्लेंट देने से, श्रीचंद के खिलाफ कुछ करने से ये श्रीचंद बोहरा रुक जाएगा, ये इनकी अपनी गलतफहमी है। कल से हमारे जो एक टीम बनाई है हमने, जितनी भी राशन की दुकानें हैं 48 की 48 दुकानों पे हमारे कोई ना कोई शुभचिंतक होगा, वो वहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा, वहाँ से एक वीडियो बनाएगा, वो वीडियो हम आपको दिखलाएंगे, फैसला आपके हाथ में होगा कि गलती श्रीचंद बोहरा किया वो दुकानदारों की।
आने वाले चुनाव के लिए क्या संदेश रहेगा? राम सिंह नेताजी भी तैयारी कर रहे हैं और सूत्रों के द्वारा से एक खबर आ रही है कि राम सिंह नेताजी शायद पार्टी बदल दें, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ से रामवीर सिंह भिदुड़ी जी बहुत बार सोशल मीडिया पे बोल चुके हैं, मैं और मेरा कोई भी परिवार का सदस्य बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा, ये नरेंद्र शर्मा जी अब गली गली जा जाकर उद्घाटन कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, कौन विधायक होगा? मैंने आपसे कहा ना कि सरकार आम आदमी पार्टी की होगी, और सबसे बड़ी चीज है क्षेत्र के अंदर चुनाव। मुझे नहीं पता राम सिंह भिदुड़ी कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। मुझे राम सिंह का नहीं पता कि कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का विधायक पहले भी था, आम आदमी पार्टी का विधायक अब भी बनेगा। और मेरी जो लड़ाई है, मैंने आपसे पहले कहा था तीन आदमियों से मेरी लड़ाई है, वो लड़ाई बिल्कुल आगे मेरी चलती रहेगी। मुझे युवाओं के रोजगार के ऊपर लड़ाई लड़नी है, मुझे राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ना है, मुझे ओजोन के खिलाफ लड़ना है, मुझे सीलिंग के खिलाफ लड़ना है। मुझे तो इतना पता है मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है। मुझे इस बारे में नहीं पता कौन विधायक बनेगा, मुझे इतना पता है कि आने वाला क्षेत्र का युवा होगा, अच्छा जोश होगा, क्षेत्र में करने का अधिकार होगा, अधिकारियों को दबाने की ताकत होगी, अधिकारियों से काम कराने की ताकत होगी। और अरविंद केजरीवाल, मैंने भी कहा ना दिल्ली बोले दिल से, अरविंद केजरीवाल फिर से।